जब ये करणी सेना 2006 में बनाई गई तो इसके सबसे पहला प्रदेश अध्यक्ष मैं था, और मैंने कभी भी इस करणी सेना को वर्चस्व की लड़ाई नहीं बनाया। और आज भी मैं सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी की जन्म स्थली से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी त्याग देना पड़ा, मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है, एक सैनिक के रूप में, सिपाही के रूप में काम करूंगा, लेकिन ये समाज, हमारी छत्तीस कौम एक जाजम पे रहनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और राजपूत एक जाति नहीं है, यह क्षत्रिय समाज एक जाति नहीं है, यह धर्म है जो सबको साथ लेके चल सके, न्याय की बात कर सके, बहन बेटी की इज्जत आबरू के लिए लड़ सके, गाय के लिए लड़ सके, देश के लिए लड़ सके, धर्म के लिए लड़ सके। और हमारे बीच ये इतने साधु संत देश के कोने कोने से आए हुए हैं, इनके मान सम्मान के लिए लड़ सके। हम सबको एक ही बात का यहां से संकल्प लेके जाना चाहिए कि हम सब हाथ उठाकर एक बार हम सबको संकल्प लेना होगा कि जहां ये परिवार याद करेगा, हम कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो देंगे। ये घड़ी नहीं है कि हम लोग भाषणबाजी करें, अलग अलग विचार रखें। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे कि भाई सुखदेव सिंह जी के जाने से पहले हमारे करणी सेना के प्रधान संरक्षक, हमारे समाज के भामाशाह पितामह लोकेंद्र सिंह जी कालवी हमारे बीच नहीं रहे, और उसके बाद हमारे बड़े भाई सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी इस हमारे समाज के विरुद्ध जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं से लड़ते लड़ते अपनी शहादत देती, और एक हमारे भाई अजीत सिंह जी राजावत ने भी अपनी शहादत दे दी, मैं उनको भी नमन करता हूं। आज हम सब लोग 3600 कौमों के लोग यहां एकत्रित हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आज हम यहां से एक संकल्प लेके जाएं कि जो हमारे भाई के अधूरे ख्वाब थे, अधूरे सपने थे, जो अधूरे काम थे, हम सबको सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी बनकर उन कामों को पूरा करना होगा, उन कामों को आगे बढ़ाना होगा। वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे भाई सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी को। एक नारे के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई सुखदेव गोगा मेड़ी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, और अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा बिहार से हमारे बीच में सांसद साहब पधारे हैं, इतनी दूर से चल के आपने हमारे परिवार को संबल दिया। आप सदैव राजपूत समाज के 36 कौम के संरक्षक के रूप में हमेशा खड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शास्त्र धर्म।